हेलो स्टूडेंट, आई एम राहुल सर। मैं टीचर फ्रॉम श्रीराम अकेडमी हाई स्कूल सतना। एंड टुडेज टॉपिक प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.5 एंड पार्ट 13। पार्ट 13 में हमको फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आपको, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए होमवर्क था। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या सॉल्व करना है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। आपको तो इजीली यहां पे बताया है कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स क्या होता है, ठीक है। बट उसके बाद हमको करना क्या है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर आपको राइट तो करना है, बट उसके बाद हमको क्या करना है, एंड एक्सप्रेस इट इज टर्म ऑफ द इट्स प्राइम फैक्टर। मीन्स उसका हमको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करने के बाद उसका हमको क्या फाइंड करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम पहले क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट कर देते हैं यहाँ पे। सॉल्व द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज 9999 होता है। मीन्स आपको ये तो पता है कि 9999 क्या होता है, आपका ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर होता है। अब उसके बाद हमको क्या करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट करने के बाद हमको उसका प्राइम फैक्टर फाइंड करना था। क्या करना है, तो प्राइम फैक्टर, तो हम प्राइम फैक्टर फाइंड कर देते हैं यहाँ पे। क्या फाइंड करोगे आप, प्राइम फैक्टर। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 9999 क्या हो जाएगा। तो पहले हम यहाँ पे प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, 9999 का प्राइम फैक्टर करोगे। ये नंबर कितने जोड़ होगा, 3 से जोड़ होगा, तो 3 3 9 3 3 9 3 3 9 3 3 9। अगेन इसको आप 3 से ऐड करोगे तो क्या आएगा, 3 1 3 1 3 1 3 1। अब ये नंबर आपको किससे डिवाइड होगा, मैंने आपको 11 का रूल बताया है कि 11 का रूल आप चेक कैसे करते हो, आपको मैं बता देता हूँ, अगेन यहाँ रिपीट कर देता हूँ। 11 के रूल को चेक करने के लिए आप नंबर्स फर्स्ट हमने राइट कर दिया, हम क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट नंबर को सम करते हैं एंड राइट टू लेफ्ट नंबर को सम करते हैं। तो ये नंबर्स का आप सम करोगे क्या आएगा, 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2। आप ये दो नंबर्स को सम करोगे तो क्या आएगा, 1 + 1 = क्या आएगा, 2। अब बोथ नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करोगे क्या है, 0 आ गया। मीन्स ये क्या है, 11 का रूल है। 11 के रूल के लिए क्या करते हैं हम नंबर्स को लेफ्ट टू राइट या राइट लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट क्या करते हैं, नंबर्स को पहले हम सम कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम किया, फर्स्ट सम किया 2, सेकेंड सम किया 2। अब बोथ नंबर के हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अगर वो सब्ट्रैक्ट करने पे नंबर्स क्या आता है, 0 आता है या फिर मल्टीपल्स ऑफ 11 आता है, या फिर 0 आ रहा है या फिर सेकंड मल्टीपल्स ऑफ 11। तो मल्टीपल्स ऑफ 11 का मतलब क्या होता है, 11 के टेबल अगर आती है उसमें, तो वो नंबर्स आपके क्या होते हैं, 11 से डिवाइड होते हैं। तो ये नंबर आपका किससे डिवाइड होगा, ये 11 से डिवाइड होगा। तो 11 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, 11 से आप डिवाइड करोगे क्या आएगा, 11 11। अब यहाँ पे फिर से 1 डिजिट बच रही है, तो 11 0 0 1 ले लेंगे, 13 11। आप इसमें क्या होगा, डिवाइड में कंफ्यूज हो रहे होंगे, इसलिए आपको मैं डिवाइड यहाँ पे करके बता देता हूँ कैसे इसको डिवाइड करेंगे। 11 1 0 11 कट। अब आप डिवाइड में क्या करते हो, 2 डिजिट एक साथ नहीं लेते हो, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 पहले आ जाएगा। अब आपको 11 की जगह पढ़नी है, 1 से मोर नहीं होनी चाहिए, तो आप पढ़ोगे क्या, 11 0 0 0, तो 1 आ गया। अब ये भी 1 क्या आएगा, इसमें नीचे आ जाएगा, तो 11 1 0 क्या हो जाएगा, ये भी 11 हो गया। मीन्स ये भी आपका हो गया 0। तो हमने डिवाइड किया तो क्या हो गया, 101। अब 101 क्या है, अब 101 प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर तो आपको पता है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर्स 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं वो नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो ये प्राइम नंबर है, तो मतलब ये नंबर्स अपने से अपनी टेबल से डिवाइड होगा। तो 101 क्या हो गया, 101। तो इसका हमने प्राइम फैक्टर क्या फाइंड किया, 3 × 3 × 11 × 101। ये हो गया हमारा, हमने इसको एक्सप्रेस भी कर दिया, किसमें कर दिया, प्राइम फैक्टर में कर दिया। तो हमारे ये आ गया आंसर। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, सर आंसर ये कहाँ आते हैं, अभी तो हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जो मल्टीप्लाई करते हो वो हम एलसीएम में मल्टीप्लाई करते हैं, प्राइम फैक्टर में मल्टीप्लाई नहीं किया जाता। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 हमें कैसे सॉल्व करना है। 5th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 5th नंबर में क्या देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। मतलब इसमें आपको क्या करना है, पहले स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको राइट करना है, देन आप क्या करोगे, एंड एक्सप्रेस इज द टर्म ऑफ द प्राइम फैक्टर। मीन्स आपने 4th नंबर सॉल्व किया, उसमें हमने ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर राइट किया था, बट इसमें क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको पता है 140 होता है, वो आपका क्या होगा, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर्स का प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेंगे। तो इसमें राइट कर लेते हैं स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर,
कॉल्ड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर इक्वल 140। ये आपका क्या हो गया, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर्स हो गया। अब स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट आप नंबर आपको राइट करने के बाद क्या करना था, इसका आपको प्राइम फैक्टर फाइंड करना था। तो हम इसका प्राइम फैक्टर फाइंड कर देते हैं। द प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000, यस 10,000 क्या हो जाएगा। तो हम यहाँ पे नीचे पे इनका प्राइम फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। 10,000 यूनिट डिजिट क्या है, 0, मीन्स ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको हम 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 टू सा 10, 3 0, अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से डिवाइड करेंगे तो इसलिए आपका स्पेस डिजिट डिवाइड हो जाएगा। तो 5 4 सा 20 डबल 0, अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 5 8 सा 41 0, अगेन इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5 1 5 और यहाँ पे 3 बचा, तो 5 6 30 16, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 8, अगेन इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे, 4, फिर 2 से आप डिवाइड कीजिए क्या आ गया, 12। अब आपके माइंड में होगा सर इसको हम राइट कैसे करें, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट करें कि स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। अब आप किसी भी नंबर्स को जब हम राइट करते हैं तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट राइट करते हैं, तो इसलिए हम अब ये इसमें फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आप जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर तो 10,000 आएगा, बट इसको जो हम राइट करते हैं वो क्या करेंगे, इसको सिक्वेंस से राइट कर देते हैं, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट नंबर क्या देखें, 2 मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर कितने टाइम है, 1 2 3 4 4 टाइम, 2 मल्टीप्लाई, नेक्स्ट क्या है, 5 यहाँ पर कितने टाइम है, 4 टाइम, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। ये नंबर्स क्या हो गए, इनको प्राइम फैक्टर फाइंड हो गया। फर्स्ट हमने फाइंड क्या किया था, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, देन सेकंड फाइंड किया प्राइम फैक्टर ऑफ 10,000। तो ये नंबर आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर इनका फाइंड हो गया। अब इनका अगर चेक करना चाहते हो तो इनका जब प्रोडक्ट करोगे मल्टीप्लाई, तो इनका जो मल्टीप्लाई आएगा वो क्या आएगा, आपका 10,000 आएगा। अब आपको मैं यहाँ पे होमवर्क देता हूँ, क्योंकि आपको इस टाइप के क्वेश्चन क्या है आपके बुक में दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर आपको क्या है, नंबर सिक्स, ये क्या है आपके लिए होमवर्क है, आपको ये सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या है, सेम इसके जैसे इसमें आपको नंबर दिया हुआ है, वो नंबर को आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। उसके बाद आपको असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब नंबर को नंबर दिया हुआ है उसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। प्राइम फैक्टर फाइंड करने का नंबर जो है मैंने जो किया था असेंडिंग टू डिसेंडिंग, वही आपको क्या करना है, असेंडिंग टू डिसेंडिंग नंबर में आपको चेंज करना है। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता देता हूँ, सर नंबर 7 को सॉल्व कैसे करना है, 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में हमको करना किस टाइप का, इसमें दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 6, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट तो यहाँ पे दिया है प्रोडक्ट, और आपको प्रोडक्ट मीन्स पता है मल्टीप्लाई होता है, ठीक है, और 3 कंसेक्यूटिव मीन्स भी आपको मैंने बताया है कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो नंबर सिक्वेंस से होते हैं वो होते हैं आपके कंसेक्यूटिव नंबर्स, मीन्स उनके बीच का जो डिस्टेंस नहीं होता, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता, जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे 2, 2, 3 एंड 5, तो आपके ये क्या हो गए, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हो गए, क्योंकि इनके बीच का जो सीक्वेंस से ज़्यादा नहीं है, ठीक है, तो इस टाइप के नंबर आपके सब कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स होते हैं। अब मैं नेक्स्ट, उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स बताने के बाद क्या करना है, डिविजिबल बाय 6, मतलब आपने आपको वो 3 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स लेना है जिनका हम क्या करें, डिवाइड करें, वो नंबर 6 से डिवाइड होना चाहिए, मतलब वो हमको कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर लेना है, ये नंबर क्या हो, आपको 6 से डिवाइड हो। बट आप कैसे करोगे, देखिए वेरीफाई दिस स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ द सम एग्जांपल, इसका हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल के थ्रू आपको बताएंगे। जैसे फर्स्ट मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सॉल्व करने के लिए, लेट 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स कौन से हो जाएंगे आपके, जो नंबर्स क्या हों 6 से डिवाइड हो, तो मैं ले लेता हूँ आपके 1, 2, 3, ये सब आप 1, 2, 3 भी ले सकते हो। देखिए 1, 2 एंड 3 इनके बीच का आप देखिएगा डिस्टेंस भी ज़्यादा नहीं है, देखिए 1, 2, 3 सीक्वेंस है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ये क्या है, इनकी जिनके बीच का क्या डिस्टेंस नहीं होता वो क्या होते हैं आपके कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। इनके बीच का देखिए डिस्टेंस इक्वल है, सब में सेम है,
वन टू वन वन का डिस्टेंस है। अब उसके बाद आपको क्या करना था, इनका हमने थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स तो ले लिया, अब उसके बाद आपको क्या करना था, प्रोडक्ट करना था। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इसका करोगे आप वन टू थ्री का करिए तो क्या आएगा, वन मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री क्या आ जाएगा सिक्स। आपको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या देखना था, डिविजिबल बाय सिक्स, मतलब आप थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स लेंगे और उसका हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है वो देखना है कि वो नंबर सिक्स से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मीन्स आपका सिक्स क्या है, ये सिक्स से डिवाइड हो रहा है, तो लिख देते हैं सिक्स इज डिविजिबल बाय सिक्स, मतलब सिक्स क्या है आपका, सिक्स से डिवाइड हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल था, ये हमारे क्या है, ये एग्जाम्पल दिया है आपको, ऐसे आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ये हमारे एग्जाम्पल थे, ठीक है। ये क्या हो गया सिक्स नंबर्स क्या हो गया, सिक्स से डिवाइड, मतलब आपको ये थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हमने लिया, थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेने के उनका प्रोडक्ट किया और वो चेक कर लिया कि थ्री से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे और भी नंबर्स हैं, ओनली यहाँ पे वन ही नंबर नहीं है, बहुत से ऐसे नंबर हैं जो क्या होते हैं सिक्स से डिवाइड हो सकते हैं। तो वो क्या करना है, आपको ऐसे नंबर लेना है और भी आप अपने से ये नंबर ले सकते हैं, मैंने आपको वन एग्जाम्पल दे दिया। अब आपको जो क्वेश्चन नंबर सेवन है, सर नंबर सेवन में भी क्या है आपके सेम इसकी इसी की जैसे है, इसमें आपको थ्री कॉन्सिक्यूटिव नंबर लेना है और वो नंबर आपको चेक करना है कि फोर से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर आपको एट वो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सर नंबर एट आपके लिए क्या रहेगा होमवर्क रहेगा। अब आपको मैं क्वेश्चन नंबर नाइन बता देता हूँ कि क्वेश्चन नंबर नाइन हमको सॉल्व कैसे करना है। नाइन नंबर को सॉल्व करें, नाइन नंबर देखिए क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन प्राइम फैक्टराइजेशन हैज बीन डन, मीन्स यहाँ पे हमको क्या करना है, जो आपके यहाँ पे नंबर दिए हुए हैं वो नंबर्स को आपको चेक करना है कि प्राइम फैक्टर्स ये इनका राइट है या रॉन्ग है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्राइम फैक्टर मेथड यूज करना पड़ता है। तो प्राइम नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हैं तो नंबर हमको चेक करना पड़ता है कि वो नंबर्स क्या है, प्राइम नंबर से हमने डिवाइड कर रहे हैं कि हम कंपोजिट नंबर, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन में ओनली नंबर्स प्राइम नंबर से ही डिवाइड होंगे, अदरवाइज उसके अलावा आप किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम फर्स्ट नंबर को सॉल्व कर लेते हैं 24 को हम चेक करते हैं 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, प्राइम फैक्टर ऑफ 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, यहाँ पे हम प्राइम फैक्टर चेक करते हैं 24 टू से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पे 1 and 2 अगेन आप 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, 3 से डिवाइड करते हैं 3 से डिवाइड करेंगे यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा, 3 2 6 और यहाँ पे क्या आएगा 2 आ जाएगा। तो 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे 12, अगेन हमने 2 से डिवाइड किया 6 और 3 को यहाँ पे 6 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2 और 2 अंदर 2, मतलब 24 का प्राइम फैक्टर क्या आ रहा है यहाँ पे 2 × 2 × 3 × 2, इसको सिक्वेंस से कर लेते हैं 2 × 3। यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर में वही राइट है क्या, प्राइम फैक्टर आपने फाइंड किया तो यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का मतलब क्या होता है 2 × 2, ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, मीन्स इसको हम 4 को 2 × 2 कर सकते हैं, मीन्स ये आपका क्या है राइट है, फर्स्ट नंबर क्या है राइट है, फर्स्ट नंबर को आप राइट कर लीजिए क्योंकि 24 का प्राइम फैक्टर क्या होगा ये होगा, बट इसको आपको क्या करना पड़ेगा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, इस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा क्योंकि प्राइम फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं नंबर्स होंगे आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं 54 को आप सॉल्व कर लीजिए, 54 को भी आपको सेम ऐसे मेथड्स करने हैं, बी नंबर क्या है 56 के लिए हम प्राइम फैक्टर, तो फर्स्ट नंबर के हमने क्या फाइंड कर लिया 24 का प्राइम फैक्टर क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 3, बट आपके माइंड में होगा सर हमने प्राइम फैक्टर तो फाइंड कर लिया, मीन्स यहाँ पे दिया हुआ था प्राइम फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर ने फाइंड कर लिया, बट सबसे ऊपर जो दिया हुआ है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, मतलब कौन से यहाँ पे एक्सप्रेस किए हुए हैं, एक्सप्रेस मतलब सब चीज अलग अलग किए हुए हैं, और प्राइम फैक्टर में आपको पता है कि प्राइम फैक्टर में नंबर्स क्या होते हैं प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट की बात करते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर में आपको दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर में प्राइम नंबर बट 4 क्या है, 4 तो आपको कंपोजिट नंबर है, मींस यहां पे क्या है ये 4 आपका क्या है कंपोजिट नंबर, और यहां पे आपको क्या करना है नंबर्स को आपको एक्सप्रेस करना है प्राइम फैक्टर फाइंड करना है, तो प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो ये आता है। अब ऐसे हमारा क्या है सेकंड नंबर भी देखिए, सेकंड नंबर भी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने से आपको पता चल जाएगा
इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 टू सा क्या होगा, हाँ सॉरी 7 टू सा, 7 टू सा 14, 14 टू सा 28, 28 टू सा होता है 56। मतलब ये तो आपको ओरली पता चल रहा है सर, ये एक्सप्रेस है, मीन्स इसका हम जब करते हैं प्राइम फैक्टर 56 का, तो 56 का प्राइम फैक्टर क्या होता है देखिए आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमको लॉन्ग मेथड से नहीं करना, इसलिए जब आपको ओरली पता है तो आप इसको ओरली बता सकते हो। तो इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 28, अगर इसको आप 2 से डिवाइड करेंगे 14 आएगा, 14 को हम 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 7। ये देखिए ऑलरेडी आपका एक्सप्रेस है, मतलब अलग अलग 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7, और ये भी आपके क्या है प्राइम और आपके प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे अब हम 70 का भी देख लेते हैं, मतलब ये आपका क्या है ऑल आपका एक्सप्रेस भी है एंड प्राइम नंबर भी है, बट फर्स्ट में क्या है 4 आपका कंपोजिट नंबर है और पूरी तरह से अलग भी नहीं, क्योंकि 4 को क्या होना चाहिए था 2 मल्टीप्लाई 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या है 4 है। वैसे सी नंबर भी हम बता सकते हैं, देखिए मल्टीप्लाई करोगे 70 आएगा, 7 5 35 35 टू क्या होता है 70, मीन्स मल्टीप्लाई करने में 70 आ रहा है। और ये नंबर्स क्या है पूरी तरह से एक्सप्रेस मतलब अलग है, क्यों, जितने भी नंबर है सब प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर, 5 भी प्राइम नंबर एंड 7 प्राइम नंबर, और यहाँ पे ऑलरेडी प्राइम फैक्टर का मेथड होता है, आप प्राइम फैक्टर में प्राइम नंबर्स का ही यूज करते हैं, मतलब ये भी क्या है आपके पूरे नंबर्स आपके अलग अलग हैं एक्सप्रेस हैं। अब हम इसको देख लेते हैं 54, 54 को भी अगर आप मल्टीप्लाई करके देखोगे 9 7 27 27 टू क्या होता है 54 होता है। अब यहाँ पे देखिएगा 54 मल्टीप्लाई करने में 54 तो आ रहा है, 2 यहाँ पे प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर, बट 9 क्या है, 9 तो आपका कंपोजिट नंबर है, 9 क्या है कंपोजिट नंबर, ये पूरी तरह से क्या है एक्सप्रेस भी नहीं है। और इसका हम जब अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं 54 का, साइड में फाइंड कर लेता हूँ, 54 का अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करोगे तो क्या आएगा देखिए, ये 9 सॉरी प्राइम फैक्टर में आप प्राइम नंबर्स का यूज करते हैं, किसी नंबर्स का यूज नहीं करते, इसको डिवाइड करके देखते हैं ये आएगा क्या, 9 3 से डिवाइड होगा फिर 9 आएगा, फिर यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 54 का आपको प्राइम नंबर फाइंड कर रहे हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, बट यहाँ पे क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 आपके मानो सर मल्टीप्लाई करने में तो सेम आ रहा है, तो इसको हम राइट कर सकते हैं, इसको राइट कर सकते हैं। इसको हम रॉन्ग क्यों करें, रॉन्ग करने का रीजन ये है क्योंकि आपको यहाँ पे बताना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपको निकालना है, प्राइम फैक्टर निकालना है, और प्राइम फैक्टर हम जब निकालते हैं किसी भी नंबर का तो उसमें हमें प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आपके माइंड में एक और आ रहा होगा सर 4 अगर ठीक है 4 कंपोजिट नंबर है तो कंपोजिट नंबर 4 को तो हम 2 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं, बाद में तो ये हो गया प्राइम नंबर, 2 नंबर प्राइम नंबर हो गए, तो ये क्यों राइट नहीं है, ये दोनों में सर्कल मतलब ये दोनों ने अपने रॉन्ग क्यों कर दिया, ये जो नंबर दिए हुए हैं ये रॉन्ग क्यों हो गया, क्योंकि इनका हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 रहा है, और हम 4 को क्या कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो दोनों नंबर भी क्या हो जाएंगे आपके प्राइम नंबर भी हो जाएंगे। सेम इसमें भी यही है, 54 में भी हम क्या करते हैं इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 54 आता है, और हम 9 को क्या कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 कर सकते हैं, ये भी दोनों आपके क्या आ रहे हैं प्राइम नंबर है, तो ये रॉन्ग कैसे हो गए। हाँ तो रॉन्ग का रीजन ये होगा क्योंकि आपको ये अलग नहीं करना है, 4 को आपको एक्सप्रेस नहीं करना है, आपको ये यहाँ पे प्राइम फैक्टर जो नंबर दिए हैं उसका आपको प्राइम फैक्टर चेक करना है। प्राइम फैक्टर करने में क्या सेम जो नंबर जैसे यहाँ पे टर्म एक एक टर्म यहाँ पे आपके अलग अलग हो रहे हैं क्या वहाँ यहाँ भी वही टर्म है क्या, आपको कुछ यहाँ पे चेंज नहीं करना है, 4 को आपको 2 मल्टीप्लाई 2 नहीं करना, यहाँ पे जो 9 दिया है 9 को आपको 3 मल्टीप्लाई 3 नहीं करना, जो नंबर है जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है आप वही क्या करोगे 54 का प्राइम फैक्टर फाइंड कीजिए, और देखिए जो नंबर यहाँ पे राइट है वही नंबर सेम वहीं पे राइट है क्या, अगर राइट है तो आपका नंबर क्या होगा प्राइम फैक्टर होगा, अदरवाइज क्या होगा प्राइम फैक्टर वो नहीं होगा, ठीक है। इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं इसको ओरली भी बता सकते हैं, ज्यादा इसको लॉन्ग मेथड के लिए यूज नहीं करना क्योंकि ये आपके क्या है टिक द राइट आंसर में आंसर आते हैं इसको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो ओरली बता सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग करना है तो लॉन्ग के लिए मैंने आपको फर्स्ट बता दिया है, ये फर्स्ट मैंने आपको जो बताया है ये फर्स्ट क्या है ये लॉन्ग मेथड से है, इसका एक्सप्रेस क्या आ रहा है ये आ रहा है, बट इसमें क्या है 4 है, इसलिए क्या हो गया रॉन्ग हो गया क्रॉस हो गया। तो बी एंड सी ये आपके क्या है राइट है, और ये ए एंड डी क्या है ये रॉन्ग है। अब आपके जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो तो हमने सॉल्व कर लिया, अब इसके जैसे आपके क्वेश्चन नंबर 10 11 एंड 12 ये ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, आप इसको देखो किसमें आपको क्या करना है, हमें आपको डिवाइड करना है 10 नंबर में आपको क्या करना है डिवाइड करना है, देख लीजिएगा बुक में डिवाइड करना है, और 11 में नंबर में क्या है ऐसे आपको 2 नंबर्स लेने हैं जिनका आप क्या करो प्रोडक्ट करो मल्टीप्लाई करो कुछ नंबर आएंगे, ठीक है। तो आपको मैं 10 नंबर 11 नंबर एंड 12 नंबर ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये आपको सॉल्व करना है। ओके थैंक यू स्टूडेंट।